साहब, इसी चीज पे आपसे फर्दर भी आपका कमेंट चाहूंगी। यू आर पार्ट ऑफ द देन पीटीआई गवर्नमेंट एज वेल, आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को उस वक्त हेड कर रहे थे जब आपको याद होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो बनाई गई थी, उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जो है वो उसके बतौर एक मेंबर उसमें शामिल किए गए थे और बड़ा तनकीद उस वक्त भी की गई थी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने इदारे को जो है इसमें शामिल कर लिया गया। अभी SIFC, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव परहैप्स, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि हमारे अनटैप्ड पोटेंशियल को कैपिटलाइज करेगा वो तमाम दीगर शोबों में, लेकिन एनडीसी की उस वक्त की क्या अचीवमेंट या हमारी एक हिस्ट्री ऐसी क्यों नजर आती है दैट वी आर हैबिचुअल ऑफ क्रिएटिंग एंड देन रिक्रिएटिंग फोरम्स एंड बॉडीज एंड अथॉरिटीज, और उसका रिजल्ट जो है वो अनफॉर्चुनेटली कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम देख लें, इंडिया कहां से कहां 2008 के बाद से निकल गया है विथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समवेयर अराउंड, मतलब कितना उनका एक क्वांटम नजर आता है एक हायर स्केल पे, और हमारे यहां पर हम 6% की मतलब वो एवरेज भी ग्रोथ नहीं रख पा रहे हैं फॉर द लास्ट 15 इयर्स। जी लीना, ऑन ए लाइटर टोन, अंग्रेज ये कहते हैं कि जब हमने काम को कॉम्प्लिकेट करना हो तो हम एक कमिटी बना देते हैं, और जब हमने बिल्कुल ना करना हो तो हम एक कमीशन बना देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज के जो नई नई लेयर्स हैं उनको बनाना सोल्यूशन नहीं है। SIFC एक अच्छा कदम इसलिए है कि हमारी हुकूमत इतनी फ्रेगमेंटेड है और कैपेसिटी कम है कि एक मजबूत ओवरसाइट, जो ओवरसाइट बॉडी है जैसे पहले बना था नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, अगर वो रियली कुछ चीजों को पुश करे तो शायद ब्यूरोक्रेसी उसको रेजिस्ट ना कर पाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसने ट्रांजैक्शंस करनी है वहां ट्रांजैक्शंस मैनेजर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स चाहिए, इकोनॉमिस्ट चाहिए, वो स्पेस कहां है? देखिए ना, जिन्होंने ये डील्स करनी है, वरना तो हमारी नेगोशिएशन अगर यही ब्यूरोक्रेसी कर रही होगी तो आई वुड वरी अबाउट एसेट प्राइसिंग, आई वुड वरी अबाउट लीगल इश्यूज। हम ऑलरेडी देखे रेकोडेक्ट का केस चलता रहा है, कारके का केस चलता रहा है। हमें इदारे 2-3 SIFC के नीचे, मेरी तो पहले भी राय थी अब भी है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो CPAC का हमारा इकोनॉमिक जोन्स है इसको मर्ज करें, SIFC को उसका बोर्ड बनाएं, वहां पे पावरफुल CEO लगाएं जो apolitical हो और उसको आप एम्पावर करें और टारगेट्स दें तो इंशाल्लाह चीजें चलेंगी। लेकिन ये इदारे ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स ने कैप्चर किए हुए हैं, वहां पर वही लोग हैं जो रिटायर होके लगते हैं, वही लोग एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के थ्रू आते हैं। मार्केट्स आर मच स्मार्टर, उनको पता है कहां काम होता है कहां नहीं होता है। मेरी राय यह है कि एक या दो ट्रांजैक्शंस पकड़ें, इन इदारों को एम्पावर करें, मिनिस्ट्रियों से इंसुलेट करके उनको दें, वो 24/7 उस पर काम करें। हम कोई बहुत बड़ी मैसिव ट्रांजिशन इकोनॉमिक के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन अगर आप एक दो डील्स कर लेंगे अच्छी जो वर्ल्ड क्लास होंगी, दुनिया का एतबार बहाल होगा और काम आगे चलना शुरू हो जाएगा, जो हम सबकी दुआ है। अभी यह है कि इतने कम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ना तो हम टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे, ना हम यूथ को जॉब्स दे पाएंगे, उसके जो इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर सोशल और इकोनॉमिक आते हैं वो अलग है। हारून साहब, कथा कलामी की माफी, लेकिन इसी से एक जी इसी से एक जुड़ा आखिरी सवाल आपसे, और जो आप अब निशानदेही करें कि चैलेंजेस अगरचे मौजूद हैं, गुज़िश्ता साल और इस साल भी एक ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन है, पीपल फैमिलीज हैव लेफ्ट द कंट्री इन डिस्पेयर इन होपलेसनेस, जो कि इस वक्त एक अनसर्टेनिटी, हम जिस तरह बात भी करें सिचुएशन में कि हालात बेहतर होंगे नहीं होंगे, कैसे कन्विंस किया जाए लोगों को नॉट टू लीव द कंट्री, मुल्क छोड़ के ना जाए, आगे सिचुएशन बेहतर हो सकती है। देखिए, लोग खाली बातों से कन्विंस नहीं होते हैं, हमें बड़ा क्लियरली दिखाना होगा थ्रू सम पॉलिसी इंटरवेंशंस कि हम टू रीच आउट टू यूथ बड़े संजीदा है। सबसे पहले तो ये है कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर कुछ यंग फेसेस को, लड़के लड़कियों को लाएं। अभी तक जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनका तो यंग जनरेशन के साथ बड़ा कम नेक्सस दिखाई देता है। दूसरा ये है कि हमें अगर इफ द यूथ 70% है आबादी की, तो फिर हमें इसके ऊपर बड़ा सीरियस डेटा और रिसर्च करने की जरूरत है कि उनके लिए फ्यूचर ऑफ जॉब्स में क्या करना है, वो सोच किस तरह रहे हैं, वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं। 70% मींस एक्चुअली दे आर द कंट्री। सो हमें इसको तरजीह बना के, हमारी तो मैं ये तो नहीं कहता वजारत बना दे, बट वी नीड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर दिस यूथ कि हम काम करें। ये जो हमारा सारा डेट, हमारा ये जो क्रेडिट है
हमारी पॉलिसीज हैं, हमारी प्रोटेक्शन है, वो एक छोटी सी जो इलीट को जा रही है उससे यूथ की डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती है. वी नीड टू रीच आउट टू देम, क्योंकि दुनिया के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा इस वक्त बाहर अपॉर्चुनिटीज नहीं है. जहां पर हैं हमें वो स्किल सेट देना चाहिए ताकि लोग जाएं, बाइज्जत रोजगार कमाएं. और स्किल सेट पे मैं ये कहूंगा कि जो फ्यूचर है वो लेबर ओरिएंटेड स्किल्स में नहीं है, वो मशीन और नॉलेज ओरिएंटेड स्किल में है, हॉस्पिटैलिटी में है, जहां जहां सर्विसेज में है. तो हमें अपना ये टोटल जो एक तरीका है स्किल्स देने का, और मैं अगेन कहूंगा प्राइवेट सेक्टर को सामने लाइए, लेट देम ओन दिस. हुकूमत के अकेली के इतने चैलेंजेस हैं कि ये उनके लिए गालिबन करना अभी मुमकिन अकेले नहीं है, नहीं हो सकेगा. बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.